बस पेपर बन रहा है तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा होता था, रास्ता जाम हो जाता था, किसी गुच्छिया को दिखाने भी पड़ेगा। दवाई जो D3 कर चुका है टीका, एक ठो सुई लगा ना, फिर आगे महीना है तो ज्यादा लगती है। सब लेना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ तो रात को ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, अभी आधी रात को। गुल्लू को ना बहुत दिक्कत हो रहा है, उसका पैर में ना क्या बताए, देख सकते हैं पैर दिखाएंगे ना, ये किस तरह का हो गया इसका पैर, दोनों पैर ऐसा हो गया, इसको दर्द दे रहा है पूरा, देख रहे कैसा हो गया पैर, सब तरफ से फट गया है, देखिए इधर भी पूरा परेशान हो रहा है। फिर माँ इसको चुप करा रही तो चुप हो रहा है, दूध पी के चुप हो रहा है। देखिए कैसे लड़का बहुत मारेंगे, बाबू पीता छोटा बाबू तो सो रहा है, पर ये लड़का ना बुरा दूध पियेंगे, दर्द दे रहा है ना, तो इसीलिए चुप होने के लिए दूध पी रहा है। पूरा इसका पैर फट गया, इसको डॉक्टर पास दिखाना पड़ेगा, दिन भर ठीक रहता, रात में इसका बढ़ जाता दर्द, दवाई लगा रहे हैं सर ही नहीं कर रहे, इसका पता नहीं क्या हो गया है। अब इसको एक ही बार कल ले जाएंगे अस्पताल, वहीं बढ़िया से दिखा देंगे डॉक्टर से, दो तीन डॉक्टर को दिखाए, एक बार जाके वहाँ भी दिखा लेंगे, जहाँ मतलब चमड़ा का रोग देखता है ना डॉक्टर लोग, वहीं जाएंगे दिखाने। अभी देखिए चुप हुआ है, दूध पिया है तब चुप हुआ है, तो पूरा रो रहा था ये, तो बचाएगी ना, पैर न रखते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, कैसे करता है पैर को उठाते रहता है। अभी देखिए चुप हुआ है, दूध पिया है तो चुप हुआ है, नींद में ही रोते रहता है, पैर उठाएगा कुछ नहीं, दिखा देंगे बेटा कल सुबह। हाँ हाँ रखो बहुत दर्द देता है इसको, तो ही जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए कल सुबह। चलिए देखते हैं, कैसी भी रात काटते हैं फिर सुबह निकलेंगे। तो सुबह हो गई दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अभी खेत में काम कर रहे थे हम, और सुबह सुबह नंदनी अपना खाना वाना भी बना रही है, देख सकते हैं इधर घड़ी है। रात को बाबू कितना मुश्किल से सोया, इतना फटा है, जल्दी खाना बना रही है, भात तो बन रहा है ना, आलू और सूखी का सब्जी, और बाबू तो यहाँ एक छोटा बाबू, ए बिचेर, ए बोल बेटी, बोलो हाय, बोलो हाय 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 बोल दी। और गुल्लू हमारा इधर सो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत लेट से सोया था रात में, तभी भी सो रहा है, देख सकते हैं बेचारा, मुश्किल से उसको सुलाया हम लोगों ने, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा करके सोया, दूध पिया, बहुत रात को सोया दोस्तों, आखिर वो सोया, लेकिन उसको नींद आ गई, आराम मिल रहा होगा, क्योंकि आधी रात को इसका पैर दर्द देता है, अभी भी आराम मिल रहा होगा तो आराम से सो रहा। अगर बड़ा जन करे तो ना इतने रोता हो, तो बच्चा चलता भी नहीं है एकदम, इसलिए तो गोदी ये खोल कर तो चलता दिखाई देता, कहीं भी जाता तो गोदी क्यों चलने नहीं खोज रहा ना, आजकल चलता दर्द देता है, इसलिए बोल रहे कि दो डॉक्टर से दिखा चुके हैं, तीसरा डॉक्टर देखिए चमड़ा डॉक्टर से बोल रहे हैं नहीं बस सदर चलो। हाँ तो सदर दिखा ली ना, दो से तीन जगह दिखा दिए दोस्तों, ये चमड़ा डॉक्टर पता है जहाँ मेरा नहीं हुआ था, ये सब उसका भी वो बहुत अच्छी देखती है, हाँ तो वही जाएंगे दोस्तों, मतलब जान पहचान है वो बाहर में भी बैठते हैं सरकारी में भी, तो यहाँ फीस नहीं लगेगा। हाँ ठीक है वही जाएंगे दोस्तों, जल्दी से नंदनी खाना वाना बना रही, हम जा रहे हैं, नहा धो के रेडी हो चुके हैं दोस्तों इधर, कि नंदनी सभी को तैयार कर रहा है, बिटिया रानी देखिए नया नया कपड़ा पहन के रेडी हो गया, बिटिया रानी इधर दिखा दो कैसी लग रही है, ये देखिए हमारी बिटिया रानी तो प्यारी सी परी लग रही है, अरे परा को बनाते बनाते देख ना भूत बना दिया, चोटी भी कर दे कुछ नहीं सहेगा, रात को कहना कि दर्द दे रहा है, दर्द वो तो नहीं जाएंगे, जाना है तो क्या करें, अभी बोलता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, नींद आ रहा है हम सोएंगे, हम तो सोएंगे, हमको नींद आ रहा है, दिन में ठीक रहता है रात में प्रॉब्लम करता है, कोई चीज ना रात को जाएंगे दिखा के आ जाएंगे, पता है
कितना फाटा हुआ, कल भैया भी देख के रहे हैं, कितना हमको देख के रोना आ रहा। दिखाना ही पड़ेगा, देख 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 क्या कर, पूरा काला कर लिया, काहे लगाता इसको काजल, भूत बना लिया ना अपने आप को, देखो जान के कर रहा है, जान के ऊपर देखिए पूरा एकदम घास ले रहा है एकदम, देखो घास के एकदम। नंदिनी अपना नया सूट पहनी है क्या रे? तो क्या करेंगे, पता चला वाह आँख में घुसा लिया घस घस के काजल, देखो ना कैसे हम ये देखो, बन जा रामदेव बाबा हट यहाँ से, बिटिया रानी ना डेली नहाता है, सो रही है, सोती हुई बिटिया रानी, सब नहाया सब, लेकिन क्या करे नहाने का बाद भी कोई फायदा है उसको, देखे तो भूत बन गया, काला कर लिया पूरा काजल, नहीं सो जाए, देखा सो जाए, चीज काला वाला लगाएगी नंदिनी, धूप देखिए कितना कड़ा धूप है, बाप रे आँख खोलने में नहीं बन रहा, इतना कड़ा धूप है नंदिनी, जाए क्या करेंगे, जाना तो दोस्त, चलो चप्पल पहनो गुल्लू, अपना चप्पल पहनो, चलिए निकल रहे दोस्तों, चलो जल्दी करो, क्या करिए, ले रहे हेलमेट नहीं ले, चेक इन होगा ना, 500 रुपए दे दीजिएगा आपके पास, हाँ उधर हेलमेट तो जरूरी है, चलो दोस्तों ताला वाला लगा दिए हैं, और गाड़ी में ना पानी उझले फिर भी पता नहीं चल रहा, देख रहे सूख गया, इतना गर्म था गाड़ी, चलो बेटा बैठो जल्दी, नहीं भींगा रे बैठना है, भीगे भीगे इतना हार्ड धूप है, लेकिन मत जाना पड़ जाता तो क्या करेंगे दोस्तों, फैमिली को ही दिखाना आज, इसको ही दिखाना, गुल्लू को, बुची को, और हम भी अपना देखते हैं, तो चलो दोस्तों ऐसे जल्दी निकलते हैं, भीड़ है ना, बाप रे गर्मी तो बहुत दिख रहा है आज, वो सदर पहुंच गए दोस्तों, गुल्लू को ना पानी प्यास लग गया है, बर्फ बेटा भी गरम गरम पिला रही है, सर्दी हो जाएगा, ये पूरा भींग गई थी, बाप रे तुम उसको झाक के लाई है, तो क्या पूरा धूप में छोड़ दे, लू तो मारेगा इसे, देख रहे लहर चल रहा है, पूरा भीग गया बच्चा, तो बता गर्मी भी बहुत है ना दोस्तों, क्या बताए, चलिए अब अंदर चलते, लग तो रहा भीड़ है, अंदर जाके पता चलेगा, चलो बेटा हाँ अंदर चलते हैं, तो यहाँ चेंज हो गया सिस्टम, पेपर बाहर में बनता देख सकते हैं, यहाँ पर बनता, आप लोग भी जान लीजिए जो नया आएंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत दिनों बाद आए तब पता चल रहा है, अच्छा अभी कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भीड़ भी है, खाली यहाँ पेपर बनता है, अंदर में जाके अपना इलाज कराना होगा, बन रहा तो वहाँ पर भीड़ ज्यादा होता था, रास्ता जाम हो जाता था, इसलिए चेंज कर दिया गया है, ठीक है, हवा हवा पूरा पंखा लगा हुआ, भीड़ तो है दोस्तों, दे रहे इतना, इसके बाद नंदिनी का नंबर है, ना पूछ हॉस्पिटल आई है ना, नया हॉस्पिटल सब तो यहीं हुआ, ये भी गुल्लू भी, पानी पिएगा देर में, कितना पानी पिएगा, प्यास लगा सबको, हो गया नहीं बन गया पेपर, चलो पेपर बन गया, अब चलिए नंबर है लिखा हुआ नंबर, 23 नंबर, तुम्हारा डॉक्टर से दिखाना है ना, चप्पल पहनो, गुल्लू खेल रहे थे, आओ यहाँ खेलने का, चलो चलो हो गया चप्पल लो, चलो ये पहले यहाँ पास पेपर बनता था जो बंद हो गया, क्या अब उधर बनने लग गया, इधर जाना, इधर जा, इसी में दिखाना है गुल्लू को, चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, गुल्लू को दिखाने गई इसी में, देखिए गला में काफ़ी भीड़ है, देखते बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज, मतलब इतनी भीड़ है ना, फिर हमारा लम थोड़ा खाली है, कि ये सब दूसरा उधर में ज़्यादा भीड़ होती है, इसमें कम भीड़ होती है, बहुत अच्छा से देखते हैं ना, और जाना पे जाना, तो क्या बोला डॉक्टर, बोले कि ठीक है सब दवाई भी, बोले तुम कैसे से करके बताए हैं, सब लेना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ तो नहीं होगा, सब बाहर के ही है, देख बस चेक कर लेना जाके, एक बार देख लेते हैं, ये मिल गया था बाबू को दवाई मिल जाएगा, नहीं अभी तो जाके उसको आगे दिखाएंगे, उसके बाद ही ना, ठीक है चल गुल्लू हो गया, अब घर निकलो, कैसे बोलते घर में किसी का फटता है, बोले ऐसा किसी का नहीं फटता है, कहाँ किसी का फटा, पानी से साफ करके बहुत बताया, चलिए ना ठहरा लीजिए, चलो ले लो दोस्तों, इधर तो दवाई नहीं मिला, एक दो आप दुकान था यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पैसा लगते हैं, और सरकारी दवाई थोड़ा कम दाम पर मिलता है, पर यहाँ भी नहीं था, अभी हम जा रहे हैं बुचिया को दिखाने, इसका सुई भी पड़ेगा, और इसको
दवाई जो D3 करके दवाई है विटामिन का, वो भी लेना है इसका। चलो बुलवा इधर ही सुई पड़ता है बाबू को, देखा तुमने, वो भी रोएगी बेचारी। गर्मिया में बाप ने को सुई दिलाएंगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। क्या करेंगे, नहीं दिलाएंगे तो अच्छा नहीं है। हाँ, सुई नहीं छूटना चाहिए। नंदिनी भी दिखा ली है बाबू को, बहुत चिल्लाती है, क्या करें हम। अच्छी बात है, इसको पलटी मारती है। अब इतनी बहुत चिल्लाने की सीख गई। क्या सुई लग गया? सुई नहीं, दवाई है। अभी सुई जा रही है दिलवाने के लिए। चलो नंदिनी टीकाकरण कक्ष में टीका लगा रही है गुड़िया रानी को। अरे इधर गुल्लू बाहर हो गया, ज्यादा लग गया। दूसरा कुमारी रो रही बच्चा, ज्यादा रो रही। चलो आगे बैठो। बाबू को लग चुका है टीका, एक ठो सुई लगाना है, फिर आगे महीना है तो तारीख को। हाँ तो अभी टाइम है, तब तक ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो गया बेटी, अब घर जाएंगे आधा घंटा में। ठीक, अभी धूप में जाने नहीं बोले ना, आप माना के बोले थोड़ा सा रुक जाने को, धूप में नहीं ले जाना है, अभी निकलेंगे आधा घंटा। मम्मी घर में ले आएंगे, दिक्कत क्या। चलिए डॉक्टर से दिखा लिया, अभी यहाँ से निकलेंगे, अभी जाना है थोड़ा सा काम है मार्केट दोस्तों, फिर वैसे ही घर निकल जाएंगे हम लोग। चावल भी लेना, तो चावल ये बच्चा लोगों को लेके आए, कैसे लेके जाएंगे देखा जाएगा। चलो चलो, क्या हुआ, गोदी में जाएगा, पैर इसका खराब है ना दोस्तों, इसीलिए नहीं चल पाता। चलो गोदी लेकर भी देख के बचाए, वो जो है ना गोरी थी। अरे भाई छोटा बच्चा को इतना फट गया तो कोई भी बोलेगा। आ गए मेडिकल दोस्तों दवाई लेने के लिए, तो दो टो दवाई मिला है, ये 260 रुपये का हो गया, और दो टो निकलेगा पता नहीं कितना का होगा। हाँ, दवाई लेके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अरे बेटा तेरा दवाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा। क्या हुआ, क्या बहुत गर्मी है बाहर में दोस्तों, देख रहे ना महंगा दवाई हो गया। आपको घर पे दिखाएंगे तो दवाई बहुत ही ज़्यादा महंगा, छोटा छोटा दवाई ना बहुत महंगा है। हम लोग तो घर पहुँच गए हैं, और काफ़ी गर्मी था तो 1 लीटर 2 लीटर का ठंडा लेके बोरा पियेंगे, ठंडा मम्मी ठंडा। चलिए बड़ा बोतल ले लिया कि सभी पियेंगे, कि गर्मी इतना है कि पूछने का नहीं दोस्तों, ये भी कम पड़ जाएगा कि इतना गर्मी है। तो खेत में पानी सूख गया पूरा एकदम, तो गर्मी पड़ा ना खेत पड़ा, हर मौसम तो शाम होगा ना तो ठंडा हो जाएगा, तब खेत में पानी डालेंगे। इसको अभी हम डाल देते हैं तो बर्फ बनाने के लिए, उतना ठंडा नहीं, लाते लाते गर्म हो गया। बच्चे को बाप रे इसको देते हैं, ना और ठंडा हो जाएगा थोड़ा। इसको सुला सुई लगा है ना तो चिलचिला रही है, तो चिड़चिड़ा होते जा रहा होगा, सही लगता है तो बच्चा लोग तो ऐसे ही होता है। आधे थक गया बेचारा, कितना काफ़ी घूमा है ना तो थकेगा ही, हाथ पैर धोते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं, काफ़ी देरी से लोग बाहर थे, थक गए हैं तो घूम घूम के। इतना धूप था ना धूप से मत पूछे। ये देखिए बिटिया रानी का वाला दवाई है, विटामिन का है, D3 का, D3 विटामिन है इसमें, डॉक्टर ही लिख के दिया अपना मरीज, हम लोग ने दिखा दिया डॉक्टर को, फिर जाए गुल्लू का कुछ ज़्यादा ही महंगा दवाई है, सारा मिला के 600 रुपये का दवाई है दोस्तों। ये तो मिल गया वही है, बाकी गुल्लू का बाहर में मिला दवाई सारा 600 का, कोई विश्वास नहीं करेंगे। ये 155 रुपये का क्रीम है पैर में लगाने का, ये देखिए 312 रुपये का, देखिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको दिखा दे इसका रेट कितने लिखे रहते थे, 312 रुपया। फिर 60 रुपये का ये भी होगा, 80 रुपये का होगा, हाँ ये 80 रुपये का, सारा कुछ इतना महंगा दवाई आ गया है। और खीरा लिए, थोड़ा सा भिंडी लिए, एक टाइम का सब्जी ना, उधर उधर तो जेब करते हैं तो कितना क्या सब्जी लेते रहेंगे, बाकी तो इधर से हो ही जाता घटता है। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं दोस्तों, ब्लॉग को ही एंड करते हैं, काफ़ी मेहनत होगी आज, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय कर दो गुल्लू, बोलो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, गुल्लू बोल दो बाय बाय, बोल दो बाय बाय। ये अभी चूसने में पानी पीने कब से सीख गए रे,
उसको पता नहीं देख के इसको देख कैसे करता है, कहाँ है इसमें अंदर कैसे पी रहा था, कहाँ गया, कहाँ गया, अंदर निकालेगा उसे। देखिए दोस्त आपको दिखाते हैं, अभी भी पैर उसे, ये देखिए कितना फट गया। वही तो डॉक्टर भी बोला कि इसका पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा, बोले जहाँ जहाँ ज्यादा है ना वहाँ दो टाइम लगाने के लिए इसको बोला है, और ऐसे इसको बोला है कि पूरा में लगाने के लिए रात में लगा देगा दिन में लगा देगा चार दो तीन बार, और जब ये ठीक हो जाएगा और फिर 10 दिन के बाद इसको सिर्फ एक टाइम लगाना रात में। क्या जाए नेक्स्ट ब्लॉग में, सारा कुछ हो गया।